हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी तक हम लोग सॉम में पढ़ते आ रहे हैं। एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने को है, जिसको हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कहते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन, उसको पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के बाद जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो फॉर्मूला है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कुछ ऐसा पढ़ा था इस पे लोड लगाएंगे तो कैसे होएगा। अभी जो टॉपिक छूटा है, स्पेशली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक छूटा है, वो छूटा है कि इसके सेल्फ वेट की वजह से भी ये ऐसे अगर टंगा हुआ है, जैसे पंखा टंगा रहता है, तो पंखा अगर टंगा रहता है तो उसके कुंडी पर भी तो लोड लगता है। तो सेल्फ वेट की वजह से उस कुंडी पर, पंखा के वेट की वजह से उस कुंडी पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, जाहिर सी बात है फोर्स लग रहा है तो जनरेट हो रहा होगा स्ट्रेस। तो सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, और अगर वो ये यूनिफॉर्म बॉडी मान सकते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा निकला हुआ है बट ठीक है, यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म बॉडी माने तो, और वेरिएबल बॉडी माने तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल बॉडी में भी नहीं देखा है कि टेपर्ड बार में क्या होता है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी क्लास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन, ये क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन तो पता है, ठीक है, क्या होता है? रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। हमको पता होना चाहिए कि ये शीयर क्या है, ये क्या है, ये शीयर क्या टर्म है। तो शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, बात ध्यान से समझिए। शीयर के बारे में हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। शीयर मतलब जब दो बॉडी आपस में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन करती है, फ्रिक्शन की हुआ तो ऐसे कॉन्टेक्ट करने आती है दो बॉडी, तो कॉन्टेक्ट में आने के बाद उनके कॉन्टेक्ट के ऊपर इनके फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वजह से यहां पर कोई ना कोई स्ट्रेन और स्ट्रेस जनरेट होता है। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो शीयर फोर्स की वजह से, शीयर फोर्स की वजह से ये होता है टाउ, टाउ इसको टाउ कहते हैं, टाउ ऐसे डिनोट करते हैं शीयर स्ट्रेस। तो शीयर फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस ड्यू टू शीयर फोर्स। स्ट्रेस तो हम जानते हैं क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है ना, वो कौन से कंडीशन में होना चाहिए, वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका नेचर शीयर होना चाहिए। और शीयर क्या होता है, हमने पढ़ा है, दो बॉडी जब कॉन्टेक्ट में आती है, अभी बता रहा था मैं, दो बॉडी जब कॉन्टेक्ट में आती है तो वो शीयर फोर्स लगाती है, तो यही है वो शीयर फोर्स। तो शीयर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू दिस टाउ, जिसको कि हम शीयर स्ट्रेस कहते हैं। अब शीयर स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, तो शीयर स्ट्रेस कैसे होएगा, ऐसे होएगा, और ये कॉन्टेक्ट अपॉन, ये कॉन्टेक्ट एरिया की बात करिए, जो एरिया हो रही है ना बात, ये कॉन्टेक्ट एरिया की बात हो रही है, कितना एरिया कॉन्टेक्ट कर रहा है। अगर इतना ही एरिया कॉन्टेक्ट कर रहा है तो फिर हम इतना ही कॉन्टेक्ट एरिया लेंगे, ठीक है। अब इसमें इस तरह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में आ रही है, दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में ऐसे 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 फ्रिक्शन करेगी, तो जितने दूर ये फ्रिक्शन करेगी उतने दूर का एरिया लेंगे, जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो हमारा शीयर फोर्स कहलाएगा। तो शीयर फोर्स को यहाँ रखेंगे, एरिया को यहाँ रखेंगे, कॉन्टेक्ट एरिया को, और अपना शीयर स्ट्रेस निकल जाएगा। स्ट्रेन की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे थी पहले, और फिर फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी कुछ ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। तो ए बी सी डी, ये बी था, यहां पर चला गया बी डैश, ये ए था, यहां पर चला गया ए डैश। तो देखिए चेंजिंग कितना हुआ, स्ट्रेन किसे कहते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल तो हमारा यही था ना एल, और चेंज कितना हुआ, यहां तक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, है ना, ऐसे था ऐसे हो गया, तो इतना चेंज हुआ। तो ये बी बी डैश हमारा चेंज है, और ओरिजिनल लेंथ हमारा एल है, इसको डिनोट करते हैं फाई से, फाई फाई से इसको डिनोट करते हैं, फाई वाईफाई वाला फाई, फाई से डिनोट करते हैं, ये शीयर स्ट्रेन हो गया फाई, और इसको क्या कहते हैं टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू शीयर फोर्स अपॉन कॉन्टेक्ट वाला एरिया, और फाई इज इक्वल टू दिस चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया हमारा शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन की बात, ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं,
और आज जो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं बता दूं कि आपको स्क्रीन पर जो है वो डिटेल आ जाएगा और पेड कोर्स के बारे में। डेमो फ्री है, आप डेमो लेकर के देखें और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल जाए। तो चलिए फिर से आते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सबसे पहले तो ये पढ़ा था, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कांस्टेंट रहा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल जो निकाला था वो निकाला था PL अपॉन AE। अब देखिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टेपर्ड बार के लिए। देखिए, इसको प्रूफ करने का शायद पूछा है, शायद नहीं पूछा है, नहीं पता, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर पूछा है। ये पी फोर्स लग रहा है, न्यूमेरिकल इस पे जरूर पूछा है। तो इसको इसका जुगाड़ मैं बता देता हूं कैसे इसको याद रखा जा सकता है। इस एरिया को क्या लिख सकते हैं, इस एरिया को लिख सकते हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर, है ना, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो इसका जो डेल होता है ना वो कुछ यूं होता है पी एल अपॉन पाई बाई फोर डी वन इंटू डी टू ई। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस एरिया की जगह पर ही तो ये लिखा हुआ है और d स्क्वायर है यहाँ पर d1 इंटू डी टू है। तो इस d को अगर मैं d इंटू डी लिख दूं तो कोई दिक्कत है, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 लिख दूं, यही तो है, ये जुगाड़ है अपने लिए याद करने का। कभी नहीं भूलेंगे कि आपको अगर कांस्टेंट एरिया दिया हुआ है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है जो कि ये है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, बदल नहीं रहा है, तो आपको PL अपॉन AE लगाना है, जिसमें A इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर होता है। जैसे ही वेरिएबल हो जाएगा, टेपर्ड हो जाएगा, ये टेपर्ड कहलाता है, ठीक है, कांस्टेंट वेरिंग है दोनों तरफ तो टेपर्ड कहलाता है। तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा, इसके दो दो डायमीटर हैं, तो कुछ मत कीजिए, डी स्क्वायर था ना, उसको डी इंटू डी लिख करके एक पे वन एक पे टू डालिए और यहां लिख दीजिए, और मस्त जुगाड़ आपको याद हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है और याद हो गया। अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, हम लोड लगा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, हम लोड लगा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इसके सेल्फ वेट की वजह से कितना स्ट्रेस आएगा उसका फॉर्मूला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेल्फ वेट की वजह से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, सेल्फ वेट पर न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं सेल्फ वेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा। और इसका अगर प्रूफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल न्यूमेरिकल तो पूछा हुआ है, तो अपने को सेल्फ वेट की वजह से अपने को पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस कितना आएगा, सेल्फ वेट की वजह से जो स्ट्रेस है ड्यू टू सेल्फ वेट, स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट ये कितना आएगा। तो पहला है अपने पास ये वाला, फिक्स क्रॉस सेक्शन है, वेट लगेगा इसमें, यहां से लेके यहां तक को हम एल मान लेते हैं। जब हम ऐसे रख रहे थे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एल था, जब हम ऐसे रख रहे हैं तो वो वर्टिकल एल हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा होएगा, ये फिक्स है, यहां पर फिक्स है, दूसरा हमारा जो होएगा वो होएगा वेरिएबल, ये वाला टेपर्ड बार होएगा, वेरिएबल होएगा, यहां पर डब्ल्यू लगेगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका कितना होता है, इसका होता है रॉ जी एल स्क्वायर अपॉन टू ई। इसका क्या होता है, डेल इज इक्वल टू रॉ जी एल स्क्वायर अपॉन टू ई। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, इसका प्रूफ अगर चाहिए तो बोलिएगा, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वेरिएबल की बात करें तो यही कितना हो जाता है, रॉ जी एल स्क्वायर अपॉन टू ई होता है किसका, कॉन्स्टेंट वाले का। और अगर वेरिएबल वाले की बात करें तो रॉ जी एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई हो जाता है, डेल इज इक्वल टू रॉ जी एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई। अब इसको कैसे याद किया जाए, ठीक है, इसको कैसे याद किया जाए, ठीक है, तो हम चलते हैं देखते हैं कि कैसे याद किया जाए। हमको पता है वेट इज इक्वल टू कितना होता है, रॉ वी जी। अब ये कहां से आ गया फॉर्मूला, तो देखो मैं इसको छोटा सा मैं बता देता हूँ, ये रॉ डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू रॉ वी जी कैसे आया बता देता हूँ। देखो मैंने बताया था ना, वेट इज इक्वल टू होता क्या है, बेसिकली मास इनटू ग्रेविटी, मास होता है ग्रेविटी के साथ, और रॉ इज इक्वल टू क्या होता है, रॉ यानी कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रॉ और वी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
रॉ वी मल्टीप्लाई करके मास हो जाएगा। एम की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, रॉ वी, तो इस एम की जगह पर रॉ वी रखोगे तो रॉ वी जी नहीं हो जाएगा, तो यानी वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रॉ वी जी। तो वही वाला रॉ वी जी जो है मैंने रखा है यहाँ पर। V क्या है, वॉल्यूम है, रॉ क्या है, इस मटेरियल का डेंसिटी है, और G क्या है, 9.81 ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द अर्थ, अगर आप कहें तो ऑन द लाइव बात हम अर्थ पे ही है अभी फिलहाल। तो ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो रॉ वी जी, वी यानी वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा कितना, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनटू ये लेंथ, कैसे, तो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा है एक एक ब्लॉक है जिसमें के हमारा ये एरिया है, ऐसा वॉल्यूम अगर निकालना है, ये हमारे लिए अगर एल है, मान लो लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हमारा हाइट है मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से रखा है, तो मैंने एल एल बी एच किसी को भी मान लो, इसको एल मान लिया, इसको बी, इसको एच मान लिया, तो एल इंटू बी इंटू एच ही तो होता है, नहीं होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये वाला जो पार्ट है B इंटू एच, ये एरिया हो गया, इस सरफेस का एरिया हो गया B इंटू एच, और ये L हो गया, तो इस सरफेस का एरिया इंटू L इंटू जी। तो देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एस्टीमेट करता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, डेल इज इक्वल टू रॉ जी एल स्क्वायर अपॉन टू इंटू पी। तो देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू रॉ इंटू जी इंटू एल लिख सकते हैं अपॉन टू ई, रॉ इंटू जी इंटू एल हमारे पास है, रॉ भी है, जी भी है, और एल भी है, तो रॉ जी एल को उधर ही रहने दीजिए, बाकी जो ए नहीं है उसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन ए इज इक्वल टू रॉ जी एल। तो ये बात बताइए, रॉ जी एल की जगह पर, इस रॉ जी एल की जगह पर डब्ल्यू बाई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई ए इज इक्वल टू एल बाई टू ई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई, टू ए ई। अब ये बताइए, अभी फॉर्मूला क्या था, पी एल अपॉन ए था, ये जब हॉरिजॉन्टल था तो पी एल अपॉन ए था, पी एल अपॉन ए ई था, ठीक है, अभी क्या हो गया, अगर ये वर्टिकल हो गया तो सेल्फ वेट की वजह से कितना आ गया, क्या क्या बदलाव आया, पी की जगह पर डब्ल्यू आ गया, ये भी लोड, ये भी लोड, ये वेट की वजह से लोड, जिसका फॉर्मूला रॉ वी जी है, और यहां भी लेंथ, यहां भी लेंथ, ए यहां भी, ए यहां भी, क्रॉस सेक्शन तो होगा ही, ई यहां भी, ई यहां भी, बदलाव क्या आया, यहां पर वन था मतलब कुछ नहीं था तो वन था, और यहां पर टू आ गया, सेम है सारा, बस लोड की जगह यहां डब्ल्यू आ गया, क्योंकि हम सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं, और यहां पर वन है, यहां पर टू आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसी तरह ये याद करने के लिए मैंने इतनी चीजें लगाई, तो जुगाड़ आप याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई होता है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन की बात कर लेते हैं, इसको इसको भी इसी तरह करेंगे, ठीक है ना, अपने को क्या चाहिए, इसी तरह बनाएंगे, रॉ जी एल बनाएंगे, इसको भी बना लीजिए, डेल इज इक्वल टू रॉ जी एल इंटू एल डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू ई। अब इसमें देखते हैं रॉ जी एल कितना आता है, देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये कौन कोनिक सेक्शन है, अगर कोनिक सेक्शन है तो डब्ल्यू इक्वल टू रॉ वी जी तो होगा, लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें ना, तो इसमें जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है, वन बाई थ्री ऑफ दिस, वन बाई थ्री ऑफ दिस, कोन का जो वॉल्यूम होता है, अगर इसी अगर इसका लेंथ जो है ना अगर बराबर रहे, ये नाइन्थ क्लास का है, नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी के बुक में ये मेंशनड है, ठीक है, नाइन्थ क्लास में ये मेंशनड है कि अगर लेंथ सेम रहे और डाया भी सेम रहे, डाया भी सेम रहे, इसका इसका मैक्सिमम डाया हम लोग लेते हैं यहां वाला डाया, ठीक है ना, यहां वाला डाया लेते हैं, तो अगर डी मैक्सिमम यहां वाला डाया और ये वाला डाया सेम रहे और लेंथ भी इसका सेम रहे, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, ये वाला वॉल्यूम कोनिक सेक्शन का जो वॉल्यूम होता है, वी ऑफ कोन वन बाई थ्री ऑफ सिलेंडर होता है, वन बाई थ्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वन बाई थ्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ए इंटू एल, वॉल्यूम निकाला था ए इंटू एल, तो ए कौन सा, देखिए कोनिक सेक्शन का तो ए वेरी कर रहा है,
तो कौन सा ए, यहां का एरिया ले, यहां का ले, यहां का ले, यहां का ले, तो ए मैक्सिमम लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो कि यहां पर आएगा, ठीक है, एरिया, एरिया सबसे ज्यादा यहीं पर आएगा, तो ए मैक्सिमम इंटू जी। तो देखिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए रॉ जी एल, रॉ है बिल्कुल है, जी है बिल्कुल है, एल है बिल्कुल है, उसको छोड़ करके ये जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो डब्ल्यू, ये थ्री है इधर भेज दीजिए तो थ्री डब्ल्यू, और ये ए है तो इधर भेज दीजिए तो ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू रॉ जी एल, ये रॉ जी एल हो गया। रॉ जी एल की जगह पर कितना रखा था, कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है, तो क्या हम उसकी जगह पर इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख के देखिए तो कितना आता है, तो इतना आएगा 3W अपॉन A मैक्सिमम इंटू L, और ये 6 और ये E, इतना आया। अब इसको कटाइएगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और कितना आया, तो आया W L अपॉन 2 A मैक्सिमम, A मैक्स इंटू E, देखिए ध्यान से कितना आया, W L अपॉन 2a मैक्सिमम e, यहां देखिए कितना आया था WL अपॉन 2a e, सेम है लेकिन इसमें a मैक्सिमम लग गया है, और W का जो क्या है, जो सॉरी फॉर्मूला है वो हो गया है क्या 1/3 इंटू रॉ इंटू ए मैक्सिमम एल इंटू जी। तो W का फॉर्मूला वॉल्यूम की वजह से बदल गया, W का फॉर्मूला इस सिलेंडर का और कोनिक सेक्शन का इसलिए बदल गया कि वॉल्यूम बदल जाएगा, और यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां ए है और यहां ए मैक्सिमम है, क्योंकि हम मैक्सिमम ये वाला एरिया लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चार जो थे हमारे पास क्या कहते हैं सेक्शन थे, दो हॉरिजॉन्टल, एक सेम क्रॉस सेक्शन, एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, उसी को हमने वर्टिकल कर दिया, तो उसके वेट की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा था वो यहाँ पे बता दिया। कभी कभी सेल्फ वेट से पूछ देता है कि सेल्फ वेट लग रहा है तो उसकी वजह से कितना स्ट्रेस आएगा वो बताइए, और कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ वेट से नहीं पूछता है, लोड लगा देता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ वेट प्लस लोड से पूछ देता है, तो सबका अलग अलग क्या कहते हैं कैलकुलेशन किया जाएगा। आई होप कि ये पसंद में आ गया, पसंद आया होगा, ये समझ में भी आया होगा, सबसे बेहतर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझ में आना, दिमाग में घुसना चाहिए, बाकी तो कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, उसको फिर से क्लियर किया जाएगा। और ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका, द वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस अब पढ़ेंगे हम लोग आगे के आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।